कितना प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहेंगे। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं इस गीत का नोटेशन बता रहा हूँ और ये हमारा पार्ट थ्री है, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको और आप इसको प्रैक्टिस कर भी चुके होंगे। ये हमारा पार्ट थ्री है, तो पार्ट थ्री में हम आपको एक अंतरा के बाद में जो म्यूजिक आता है वो म्यूजिक और सेकेंड अंतरा बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट अंतरा और म्यूजिक और एक अंतरा वो दो पार्ट में पहले बता चुका हूँ। अब ये हमारा सेकेंड अंतरा होगा, ठीक है। फर्स्ट अंतरा के बाद का म्यूजिक और सेकेंड अंतरा तो किस प्रकार आएगा, आइए देखते हैं। और ये हमारा गाने का जो स्केल है वो ये है F माइनर, और जो मैं नोटेशन बताऊंगा वो इस सा के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग ज्यादातर इसी सा से प्रैक्टिस करते हैं तो उसको आप सही से समझ के बजा पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा जो है फर्स्ट अंतरा खत्म होगा उसके बाद एक म्यूजिक आएगा। म्यूजिक किस तरह आएगा, सबसे पहले म्यूजिक देखते हैं और उसके बाद फिर अंतरा। जैसे हमारा फर्स्ट अंतरा खत्म होगा ये दिल है, उसके बाद म्यूजिक आ जाएगा, इस तरह ये हमारा म्यूजिक आएगा। अभी हमने आपको बिल्कुल उसी तरह बजा के दिखाया जिस तरह वो बजा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, म्यूजिक कभी कभी हमें सेम इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम खाली एक हारमोनियम पे म्यूजिक बजा रहे हैं और वो जो पिचराइज म्यूजिक होता है वो कई इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं, इसीलिए वो म्यूजिक का जो रूप होता है वो थोड़ा अलग होता है। हारमोनियम में स्वर वही लगेंगे पर वो भराव नहीं आता है क्योंकि ये एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट है और वो कई इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक का सबसे पहले नोटेशन देखते हैं। इसमें म्यूजिक के फ्रेजेस क्या होंगे, रे गा रे सा रे रे सा, ये पहला फ्रेज होगा, रे गा रे सा रे रे सा सा रे धा धा धा। फिर से देखें, रे गा रे सारे रे सा सारे रे सा, एक साथ रे गा रे सारे रे सा, एक फ्रेज। दूसरा सा सारे धा 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 सा सारे धा धा धा, ये दूसरा फ्रेज सा सारे धा धा धा। तीसरा फ्रेज धानी सारी गारे सानी धा धा, ये तीसरा फ्रेज होगा। इसमें सारे नोट्स हमें एक साथ लेने हैं, धानी सारी गारे सानी धा धा धानी सारी गारे सानी धा धा। इतना म्यूजिक, ये तीन फ्रेज हमारे जो है यहाँ पर बजेंगे। उसके बाद में हम पहुंच जाएंगे तार सप्तक में, बिल्कुल ठीक है। वहां पे ऊपर किस तरह हमारे बजेंगे, ये यहां पे भी वही सिचुएशन होगी, धा धा शुद्ध धा कोमल धा 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 धानी सारे सानी धा धा मा, ये हमारा चौथा फ्रेज होगा जो यहाँ पे बजेगा, धा धा धानी सारे सानी धा धा मा, ठीक है। फिर से देखें, धा धा धानी सा रे सा नी धा धा मा। अच्छा, म्यूजिक आप जरूर बजाएं। म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक से हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है क्योंकि म्यूजिक में कहीं पे स्लो बजता है कहीं फास्ट बजता है, उससे हमारी फिंगरिंग भी तैयार होती है और समझ बहुत अच्छी आती है। धा धा धानी सारे सानी धा धा मा, उसके बाद
ये पूरा एक साथ आएगा, धा धा मा गा रे सा नी धा धा, धा धा मा गा रे सा नी धा धा। जब इसको बहुत बार आप बजाएंगे तब ये मेन टेम्पो में आएगा इस तरह। ये हमारा पांचवा फ्रेज था। अब छठा फ्रेज क्या होगा? धा गा रे सा नी तीनों एक साथ, धा गा रे सा नी धा पा, ये पांचवा फ्रेज है। और छठा रे 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 मा गा रे सा नी धा, रे 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 मा गा रे सा नी धा, ये हमारा छठा फ्रेज होगा। इतना यहीं पे म्यूजिक हमारा एंड हो जाता है। एक बार हम फिर से आपको पूरा म्यूजिक बजा के दिखाते हैं, ठीक है? इस तरह हमारा ये पूरा म्यूजिक आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप म्यूजिक को खूब अच्छे से एक एक फ्रेज, जैसे मैंने फ्रेज बताए तो फ्रेज बाई का मतलब होता है कि पहले एक फ्रेज को आप तैयार करें। जैसे ये होगा, जब तक ये बिल्कुल इस तरह नहीं आ जाता तब तक आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो कोई भी चीज सही तैयार नहीं होती। एक एक फ्रेज को आप तैयार करेंगे, बाद में उन फ्रेजेस को मिला देंगे तो पूरा म्यूजिक सही तैयार हो जाएगा। रे गा रे सा रे सा, रे गा रे सा रे सा। अब इसको अगर हम 10 बार 20 बार बजा देंगे तो ये फ्रेज फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। रे गा रे सा रे सा, सा 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 रे धा धा, सा सा रे धा धा धा, ससरी धा धा धा। ये दूसरा हो गया, इसको भी कई बार बजाएं तो इस तरह क्या होगा, पूरा म्यूजिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अभी साथ तैयार करें। अब आइए देखते हैं हमारा अंतरा किस तरह आएगा, सेकेंड अंतरा। अब आइए सबसे पहले अंतरा की फर्स्ट लाइन जो है हम आपको गाकर दिखाते हैं। सेकेंड अंतरा की फर्स्ट लाइन, किस सोच में हो कुछ होश नहीं, किस सोच में हो कुछ होश नहीं, ये फर्स्ट लाइन है। इसका सरगम हमारा क्या होगा, किस नी नी धा, सोच में सोच में, पधा पा मा सोच में, ये पूरा एक होगा और उसमें सरगम होगा पाधा पा मा, सोच में सोच में, सो पहले सोच में ऐसे आएगा, सोच में हो सोच में, सरगम पाधा पा मा हो गामा हो गामा हो गामा, कुछ धा धा होश नहीं, धा 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 कुछ धा धा कोमल धा दोनों बार, होश नहीं धा 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 शुद्ध धा तीन बार, कुछ होश नहीं किसे किसे सोच में हो कुछ होश नहीं, इस तरह ये फर्स्ट लाइन आएगी, ठीक है? सेकेंड लाइन, ये घबराहट से कैसी है,
ये घबराहट से कैसी है, ये हमारी सेकेंड लाइन होगी, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं, ये धा, ये घबराहट, ये पे आएगा धा, फिर उसके बाद घबराहट, नी रे 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 नी धा, घबराहट जो है उसका सरगम होगा नी रे 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 नी धा, यहाँ पे दोनों रे लगेंगे, ठीक है। ये घबराहट, घबराहट, धा रे 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 नी धा, सी घबराहट, सी सी जो है वो पा पे आएगा, सी कैसी है, नी नी नी, तीन बार कैसी है, नी नी नी, सी कैसी है, पा नी नी नी, ये हमारी दो लाइन हुई, ठीक है। अब थर्ड लाइन हमारी, थर्ड लाइन क्या, अब यही जो है, जो फर्स्ट लाइन दो लाइन है हम जिसको मान लेते हैं, या इसको हम एक लाइन पूरी मान लेते हैं, अब यही दोबारा जब आएगी तो थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ा चेंज हो जाता है सेकेंड लाइन में, किस सोच में हूँ, पहले हमारा था क्या था, किस सोच में हूँ, इस तरह था, अब क्या है, किस सोच में हूँ, खाली इतना ही चेंज हुआ बाकी सब सेम है, किस सोच में, किस किस में, नी धा, ये सिंगल सिंगल आएगा, किस सोच में, और सोच में पमा पा मा ये आएगा, किस सोच में, नी धा पमा पा मा, हो कुछ होश नहीं, ये सेम है, ये घबराहट से कैसी है, ये भी पूरा सेम है फर्स्ट लाइन की तरह, ठीक है। तो खाली सेकेंड लाइन में आपको इतना ही चेंज करना है, किस सो, किस किस सो, किस सॉरी, किस सोच में, इतना ही चेंज करना है, किस सोच में, उसके बाद में पूरा सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी थर्ड लाइन जो आएगी वो किस तरह से होगी, उसके बाद फिर एक छोटा सा म्यूजिक आ जाएगा, पम गर सानी मा पागा, पम गर सानी मा पागा, उसके बाद जो हमारी लाइन आएगी, बल बल खाके हमें से हट जाना, बल बल खाके, पहले बल खाके, गा मा पापा, बल खाके, गा मा पापा, हमें से पा मा पा मा गा, हमें से पा मा पा मा गा, हमें से पा मा पा मा गा, हट रेसा, हट रेसा जाना, रे मामा जाना, रे मामा हट जाना, रेसा रे मामा, फिर हमसे धामा गागा, फिर हमसे धामा गागा, लिपटना गा मा पा मा गा रे, लिपटना गा मा पा मा गा रे, क्या कहिए क्या कहिए, मगा गा 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 मगा, क्या मगा कहिए गा गा गा। उसके बाद फिर हमारी वही लाइन आ जाएगी, बल खा के हमें से हट जाना, ब
बल खाके हमी से हट जाना, फिर हमसे निपटना क्या कहिए, ये दिल है मोहब्बत का प्यासा। ये हम आप दो अंतरा बताए दोनों में लास्ट में गाया, तो ये तो आप परफेक्ट कर ही चुके होंगे। इस तरह से हमारा ये सेकेंड अंतरा आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें ताकि आप अच्छा कर सकें, ठीक है। और किसी भी गाने का अगर आप नोटेशन लिखवाना चाहते हैं तो आप मुझसे लिखवा सकते हैं उस गाने को भेज करके। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर आप क्लास ज्वाइन करें और सीखें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल से और ऑडियो से भी होती हैं। वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर भी हम आपको क्लास के लिए भेजते हैं। दो तीन तरह से हम आपको सिखाते हैं, जिस तरह से भी आप सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।